स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज शुक्रवार को नागपुर आए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते दरमियान उन्होंने कहा कि लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वे खुद का नहीं बल्कि साधु संतों का प्रचार कर रहे हैं। माँ मंडलेश्वर श्री श्री 1008 इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज द्वारा महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के साथ अनेक राज्यों में हिंदू धर्म को बचाने के साथ साथ अनेक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें संपूर्ण भारत में व्यसन मुक्ति हेतु प्रयास, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेकर आजीवन सेवा, गुरुकुल और गौशालाओं का निर्माण, वृद्ध एवं दूध न देने वाली और कसाईयों के पास जवाने वाली गोवंश की सेवा शुश्रूषा, संत एवं अनाथ महिलाओं की सेवा शुश्रूषा, वृद्ध बीमार घायल फुटपाथ पर अनाथों का उपचार एवं निशुल्क दवाई, दूध, नाश्ता और भोजन का नियमित वितरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज ने अधिक जानकारी साझा की। बाइट इस अवसर पर उन्होंने अपने नागपुर आने का भी उद्देश्य बताया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपुर। सभी युवाओं के लिए भी, नागपुर के लिए भी मेरा जो उद्देश्य यह है कि भारत में इस समय सारे विश्व में सबसे ज़्यादा रोगी लोग हैं। पूरे विश्व से भारत में 70 से 75 देशों में इतने शुगर के मरीज नहीं हैं जितने भारत में हैं। हार्ट के मरीज, लीवर के मरीज, सोराइसिस के मरीज, सफ़ेद चाट के, कोड के रोग के मरीज, तो सभी लोग हम परेशान हैं, क्योंकि हम आधुनिक जिंदगी में इतने ज़्यादा प्रवृत्त हो गए कि हमने अपने शरीर को ख़त्म कर दिया है। आप सब लोग बैठे हैं, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, आप भी किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पर बस ये है कि आप सहन कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, पर स्वस्थ व्यक्ति अब कोई नहीं बचा है। छोटा सा बच्चा, 1.5 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसे दवाई दी जा रही है, उसे दवा पिलाई जा रही है। ये सब 25 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले ये सब नहीं था। छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं थी, पहले कंपनी दवा बनाती नहीं थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। आज भी छोटे बच्चे को दवा की ज़रूरत नहीं है, पर उसे ज़बरदस्ती बीमार बनाने का प्रोग्राम देश में चल रहा है। मैं उसको रोकना चाहता हूँ, मेरा अभियान यही है। आरोग्य भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, उससे पहले मैं उसे 30 साल से चला रहा हूँ।